हैव यू एवर वॉन्डर्ड व्हाट इज फिजिक्स? आई मीन जब बस डेफिनेशन के अलावा कभी समझने की कोशिश की कि फिजिक्स एक्चुअल में है क्या और कहना क्या चाहता है. सो अकॉर्डिंग टू गूगल इट इज़ नॉलेज ऑफ नेचर. सो फिजिक्स इज द नेचुरल साइंस दैट स्टडीज मैटर एंड इट्स बिहेवियर थ्रू स्पेस एंड टाइम एंड द रिलेटेड एंटिटीज ऑफ एनर्जी एंड फोर्स. कुछ समझ में आया? नहीं ना, 1 या 2% समझ में आया. तो अगर समझ नहीं आया तो चलो चलते इसको बिल्कुल डीप, बिल्कुल आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं. लेट्स गो. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिमेट्रिकल वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स एंड आई एम द क्रिएटर ऑफ दिस चैनल एंड ऑल्सो अ एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर फिजिसिस्ट. सो टुडेज टॉपिक एज यू नो इज व्हाट इज फिजिक्स. तो साइंस हमें अथॉरिटी देता है किसी भी चीज़ को जानने का. तो साइंस के अंदर ही हमारे पास केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी है. वहाँ पर फिजिक्स मेरे हिसाब से इतना कूल क्यों है? क्योंकि फिजिक्स जो है वो अथॉरिटी देता है क्वेश्चन पूछने की, हाउ. जबकि केमिस्ट्री से हमें पता लगता है जो रिजल्ट, एंड बायोलॉजी हमें बताता है व्हाई. चलो एक एग्जांपल लेकर समझने की कोशिश करते हैं इस चीज़ को, मैं कहना क्या चाह रही हूँ. तो सपोज़ करो कि हमारे पास एक बस है या कोई कार है, जो भी आपका मन करे, ठीक है, मुझसे बनी अच्छी नहीं है, पर मान लेते कि हमारे पास एक कार है या फिर जो आपका मन करे वो ले लेते. जो अभी यहाँ पर जो हमारा बायोलॉजिस्ट अगर हमारे पास होगा वो क्या सोचेगा कि अभी फॉरवर्ड में कार अगर जा रही है तो वाई, मतलब वो हमेशा सोचेगा कि ऐसा क्या इंजन पावर और लेट्स से ऑयल और कोई भी केमिकल, कोई भी कंपोजिशन ऐसा क्या कर रहे हैं कि वो फॉरवर्ड में मूव कर रहे हैं. वहीं पर अगर एक फिजिसिस्ट होगा तो फिजिसिस्ट क्या सोचेगा कि व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू मूव दिस कार इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब कि क्या चाहिए एक कार को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के लिए. तो ये क्वेश्चन होगा हमारे फिजिसिस्ट का. सो वो कंसंट्रेट करेगा देन ओके टू मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन वी नीड वेलोसिटी. फिर उसका दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि क्या चाहिए हमें कि जो व्हील्स जो है वो रोटेट कर रहे हैं, तो हमें क्या ऐसा चाहिए कि व्हील्स जो है वो रोटेट करने लग जाए. तो ये वाले क्वेश्चन जो हाउ, तो फिजिक्स हमें एक अथॉरिटी देता है कि हम क्वेश्चन पूछे हाउ. और अगर वहीं पर एक केमिस्ट होगा तो वो क्या सोचेगा कि अगर मैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड डाल दूँ तो क्या रिजल्ट होगा. तो हम सबको पता है क्या रिजल्ट होगा, बूम. तो ये बेसिकली हमारा एक ओवरऑल ओवरव्यू है, हम कह सकते हैं ओवरव्यू है फिजिक्स को लेकर कि कैसे फिजिक्स दूसरे साइंसेस से अलग है. तो अभी इसकी एक बिल्कुल प्रॉपर अच्छे से डेफिनेशन पढ़ते हैं. देखो, फिजिक्स की कोई भी एक प्रिसाइज डेफिनेशन नहीं दी जा सकती, ना तो दी जा सकती है और ना ही नेसेसरी है एक प्रिसाइज डेफिनेशन देना. लेकिन फिर भी हम फिजिक्स को कह सकते हैं कि हम ब्रॉडली डिस्क्राइब कर सकते हैं फिजिक्स को कि फिजिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ बेसिक लॉज ऑफ नेचर एंड देयर मैनिफेस्टेशन इन डिफरेंट फिनोमिना. द बेसिक लॉज ऑफ फिजिक्स आर यूनिवर्सल एंड अप्लाई इन वाइडली कॉन्टेक्स्ट, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट एंड कंडीशंस. बेसिकली अब हमारे पास ये है मैनिफेस्टेशन इन डिफरेंट फिनोमिना, और कि जो ये लिखा हुआ है बेसिक लॉ ऑफ फिजिक्स आर यूनिवर्सल एंड अप्लाई इन वाइडली डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट एंड कंडीशन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, एक एग्जांपल से लेके समझते हैं. जैसे हमारे पास ग्रेविटेशन लॉ है. ग्रेविटेशन लॉ जो है वो न्यूटन लॉ, वो हमें एक्सप्लेन करता है दैट कि फॉल ऑफ एन एप्पल, कि एप्पल का फॉल क्यों होता है, ये हमें एक्सप्लेन करता है. एंड इट ऑल्सो एक्सप्लेन द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन. इट ऑल्सो एक्सप्लेन द मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ. एंड सिमिलरली जो बेसिक लॉ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, वो गवर्न करते हैं ऑल द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमिना.
सो सिर्फ फिजिक्स का यही मीनिंग होता है, बिल्कुल आसान भाषा में फिजिक्स हमें अथॉरिटी देता है कि हाउ थिंग्स आर हैपनिंग, हाउ थिंग्स इन आवर सराउंडिंग्स आर लुकिंग लाइक, नेचर में कैसे चीज़ें हो रही हैं, हमारी एग्जिस्टेंस क्या है, और बेसिक लॉज होते हैं यूनिवर्स के जो हम डिफरेंट कंडीशंस में और डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में हम उन्हें अप्लाई कर सकते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट व्हाट इज़ फिजिक्स. सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सो मच लव टू माई फर्स्ट वीडियो. और आज की वीडियो में मैं एक क्वेश्चन छोड़ के जा रही हूँ, प्लीज़ कमेंट इट, कि इलेक्ट्रॉन की सबसे पहली डिस्कवरी किन्होंने की थी, हु वॉज द साइंटिस्ट, और किस ईयर में हुई थी, तो प्लीज़ मुझे बताइए. और अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड मोर टुवर्ड्स द एडवांस्ड टॉपिक ऑफ फिजिक्स, जैसे कि अभी ऑन गोइंग एक्सपेरिमेंट क्या है वर्ल्ड में, तो अगर उस पर चाहिए तो आई नीड मोटिवेशन फॉर दैट. जब मेरे 500 सब्सक्राइबर हो जाएंगे सो आई विल स्टार्ट अपलोडिंग वीडियोज ऑन दैट ऑल्सो. सो तब तक के लिए स्टे ट्यून टू मी फॉर मोर बेसिक कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स एंड बाय.